नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद अभी अभी एक गुड न्यूज़ मिली है मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये गुड न्यूज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि जिसने ये गुड न्यूज़ दी है वो मेरा खास फ्रेंड है, और उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि उसकी जो स्टोरी है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। इसकी जो स्टोरी है सबसे अलग है, अभी तक आपने ऐसा कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक जितनी भी इनफर्टिलिटी की स्टोरीज आपने सुनी होगी, देखी होगी, सब में आपने यही देखा होगा कि शादी के लंबे समय तक जब किसी महिला को कंसीव नहीं हो पाता है तो हर कोई उस महिला को ही दोषी मानता है, हस्बैंड को कोई दोष नहीं देता। लेकिन यहाँ पर ठीक इसका उल्टा था, और हस्बैंड को ही सब लोग दोषी मानते थे, और हस्बैंड को ही उल्टा सीधा बोला जाता था। ऐसी ऐसी बातें बोल देते थे कि आप सोच नहीं सकते, मैं आपको बता नहीं सकता इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए मेरे लिए ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खास है और आप लोगों को मोटिवेट करेगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी मोटिवेट करता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और उसको भी मोटिवेशन मिले, जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मेरा फ्रेंड है, इसकी शादी आज से करीब 9 साल पहले हुई थी, और उस दौरान इसकी कोई खास इनकम नहीं थी। ये लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, और इसके अंदर कोई ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं थी शादीशुदा जीवन को लेकर के। तो शुरुआत में इसने 1-2 साल तक तो पूरा परहेज किया, ताकि कोई प्रेगनेंसी वगैरह ना रुके, और ये सोचता था कि थोड़ी इनकम वगैरह आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर बच्चे के बारे में सोचेंगे। इसको ये नहीं लगता था कि अगर हम डिले करेंगे या फिर किसी तरह का कोई परहेज करेंगे, प्रिकॉशन करेंगे, तो इससे आगे चल करके प्रेगनेंसी में रुकावट आएगी, इस चीज़ के बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी तरीके से करीब 2 से 2.5 साल तक इसने हर तरह का परहेज किया, ताकि वाइफ को प्रेगनेंसी ना हो पाए। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ कि कभी भी शादी के बाद पहली प्रेगनेंसी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द आपको प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी के बाद से ही आपके फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। अगर आप पहली प्रेगनेंसी को ही अवॉइड करेंगे तो इससे आपके फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। और यही इसके साथ भी हो रहा था, लेकिन इसको इसके बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं था, ना ही इसको कोई ऐसा मिला जो इसको समझा सके। ऐसे ही एक दिन ये कहीं शादी में गए हुए थे, तो वहाँ पे रिश्तेदारों के साथ बैठे थे, बातचीत चल रही थी, तो अचानक किसी ने प्रेगनेंसी के बारे में पूछ लिया। तो इसने कहा कि अभी हम इसके बारे में कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, आगे चल करके देखेंगे। तो किसी ने मजाक में या फिर आप सीरियसली कह सकते हैं इसको कह दिया कि अगर तेरे बस की नहीं है तो हमें बता, हम कर देते हैं। उस दिन की ये बात इसके दिल पे ऐसी लगी कि इसने सोचा कि अब मैं किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं करूँगा और मैं ट्राई करूँगा प्रेगनेंसी के लिए। तो इसने ट्राई करना शुरू किया, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आप पहली प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं तो उसके बाद आपको कंसीव करने में तरह तरह की रुकावट आनी शुरू हो जाती है। 1 से 2 महीने इन्होंने नेचुरली ट्राई किया, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद किसी ने इनको बोला कि आप एक बार डॉक्टर से चेकअप कराओ। तो डॉक्टर के पास जब चेकअप करवाने गए तो डॉक्टर ने दोनों के कुछ बेसिक चेकअप किए, तो जिसमें पता चला कि इसकी तो रिपोर्ट सारी ठीक थी, लेकिन वाइफ जो थी उसमें थोड़ा सा वज़न ज़्यादा था, मोटापा था, और मोटापे की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम थी, और उसकी वजह से पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी थायराइड की मेडिसिन चलेगी, और आपको थोड़ी एक्सरसाइज करके वेट लॉस करना होगा, और उसके बाद जब आपका वेट कंट्रोल होगा, थायराइड कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर आपको कंसीव हो जाएगा। तो थायराइड की मेडिसिन शुरू हो गई, डाइट वगैरह शुरू हो गई, इन्होंने थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू किया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वेट गेन करना आसान है, वेट को लॉस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिसे हर कोई नहीं कर पाता है। उसके बाद करीब 2 से 3 महीने तक इन्होंने रेगुलर जो है मेडिसिन ली, और जिम भी जाते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, लेकिन इनको जब कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था तो किसी ने इनको बोला कि आप दूसरे डॉक्टर पर दिखा लो, और वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो इसके बाद इन्होंने दूसरे डॉक्टर पर ट्राई किया, वहाँ भी 2 से 3 महीने ऐसे ख़राब हुए, और जैसा कि हर कोई करता है, आप जानते ही हैं कि जब एक जगह से फ़ायदा नहीं होता, फिर दूसरा डॉक्टर, दूसरे की बजाय तीसरा डॉक्टर, और सालों साल डॉक्टर बदलते जाते हैं, टाइम बीतता जाता है, और ऐसे करते करते कई साल बीत जाते हैं, लास्ट में रिजल्ट कुछ भी हासिल नहीं होता है, आपके पैसे और समय दोनों ही बर्बाद हो जाता है। ठीक इनके साथ यही हुआ, क्योंकि इनके पास ज़्यादा बजट नहीं था, तो जैसे तैसे करके इन्होंने कुछ अपने पास से कुछ इधर उधर से लेकर के ट्रीटमेंट भी करवाया, तो इस तरीके से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो गया, समय भी बर्बाद हुआ, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, थकार करके घर में बैठ गए। फिर एक दिन किसी ने इनको बोला कि आप IVF के लिए ट्राई करो, और IVF से ऐसे हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हुआ है, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि IVF कराने के लिए एक बार में 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च बैठता है।
तो आप समझ सकते हैं जिसके ऊपर पहले इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका है, कमाई इतनी ज़्यादा है नहीं, तो वो कहाँ से IVF करवा पाएगा। लेकिन एक सपना जो होता है वो दिल में रहता ही रहता है। ऐसा ही औलाद का सपना इनके दिल में था, जो टूटा जरूर था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। अभी कुछ समय पहले नए साल की बात है, मैं इनके घर पर गया हुआ था, तो वहाँ मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे बताया कि हम इतने लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं और जगह जगह हमने धक्के खाए लेकिन हमें कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और पैसे भी ख़त्म हो गए हमारे और कर्ज भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब किसी ने बताया कि IVF के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि IVF के लिए ट्राई करें और उसके लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पैसे इकट्ठे हो जाए कुछ, तो उसके बाद फिर देखते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आखिर डॉक्टर ने प्रॉब्लम क्या बताई, चेकअप में क्या किसके अंदर कमी बताई। तो इसने मुझे बताया कि जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो वहाँ कुछ बेसिक चेकअप हुए थे जिसमें कि वाइफ को ओवरवेट बताया था, थायराइड की प्रॉब्लम बताई थी और पीरियड्स भी जो है रेगुलर नहीं आते हैं, और इनके अंदर जो है किसी तरह की कोई कमी नहीं बताई थी डॉक्टर ने। लेकिन इस दौरान की जो बात है, यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि जो मेरा फ्रेंड है इसका भी वेट थोड़ा बढ़ गया था पहले से, और वाइफ का तो ऑलरेडी वेट बढ़ा ही हुआ था। तो मैंने इनको बोला ठीक है यार, तुम IVF के लिए सोच रहे हो ट्राई करने के लिए, तो उसमें तो अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप कह रहे हो कि उतना बजट आपके पास नहीं है, आप पैसों का इंतज़ाम कर रहे हो। तो मेरे कहने से अगर आप एक चीज़ ट्राई करना चाहो तो करके देख सकते हो, हो सकता है कि आपको उससे ही फ़ायदा मिल जाए। ज़्यादा महंगी चीज़ भी नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम ट्राई करके देख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मैंने इनको बैद्यनाथ कंपनी का त्रिफला चूर्ण इस्तेमाल करने के लिए बताया था। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जो वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर देती है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। बस इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए और इसके साथ जो कुछ परहेज होते हैं वो ज़रूर करने होते हैं। क्या होता है कि लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन परहेज नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। और त्रिफला चूर्ण इतना ज़्यादा असरदार होता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पहले दूसरे दिन से ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि आपके शरीर में जितने भी जहरीले तत्व इकट्ठे हो गए हैं उनको मल के रास्ते बाहर निकाल देता है। और यही इनके साथ भी हुआ, जब इन्होंने इसको लेना शुरू किया तो शुरुआत के 2 से 3 दिन तक तो इनको बार बार स्टूल पास हो रहा था। मेरे पास इनका कॉल आया, इन्होंने बताया कि बार बार स्टूल पास हो रहा है और स्टूल में फैट जैसा भी निकल रहा है। तो मैंने इनको बताया घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, यानी कि बॉडी से जितने भी जहरीले तत्व हैं वो बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आप इतने समय से तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हो तो उससे होता क्या है कि बॉडी में टॉक्सिक बन जाता है, और टॉक्सिक बनने की वजह से भी आपकी जो पहले एक तो समस्याएं हैं उसमें और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे आपके शरीर से टॉक्सिक निकलता जाएगा वैसे वैसे आपका वात, पित्त और कफ कंट्रोल होता चला जाएगा, और जब ये तीनों चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तो आपके शरीर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ जब तीनों चीज़ बैलेंस रहती हैं तो शरीर में किसी तरह की कोई समस्या रहती ही नहीं है। त्रिफला चूर्ण के साथ मैंने इनको कुछ और चीज़ें भी बताई थी, जैसे कि गर्म पानी पीना, इसके अलावा रात के समय में कार्बोहाइड्रेट का सेवन ना करना। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल, रोटी, आलू, इस तरह की चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर आप रात के समय में लेते हैं तो ये आपका वज़न बढ़ाता है, बॉडी में फैट बढ़ाता है। तो इसलिए अगर आप रात के समय में कार्बोहाइड्रेट से परहेज करते हैं तो आपका बॉडी वेट काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें या फिर ज़्यादा मीट मछली का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जब आप इन सारी चीज़ों को सही तरीके से परहेज कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बहुत तेज़ी से इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। इनकी वाइफ ने बताया कि पहले जब पीरियड्स आते थे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती थी और उसमें क्लॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन इस बार जब पीरियड्स आए तो उसमें क्लॉट्स थे लेकिन बहुत कम थे, और ब्लीडिंग भी साफ थी और दर्द भी ज़्यादा नहीं था। इसी तरह दूसरे महीने जब पीरियड्स आए तो उसी डेट के आसपास आए, पीरियड्स में ब्लीडिंग भी खुल करके हुई लेकिन जो क्लॉट्स थे वो बिल्कुल ना के बराबर थे, थोड़े बहुत थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, और दर्द भी बहुत कम था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से इसने रिजल्ट दिखाना शुरू किया। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम्हें इससे क्या फ़ायदा लगता है, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात तो इसको लेने से मुझे अपना पेट काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस होता है, कब्ज की समस्या नहीं रहती है, और शरीर में काफ़ी ज़्यादा चुस्ती फुर्ती महसूस होती है, जबकि पहले मैं काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता था, आलस भरा रहता था मेरे अंदर और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसको लेने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ। तीसरे महीने में दोस्तों क्या हुआ कि इनकी वाइफ के पीरियड्स थोड़े से लेट हो गए और इनका मेरे पास कॉल आया, ये कहने लगे कि कहीं से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया, कि इस बार पीरियड्स ही नहीं आए।
तो मैंने इनको बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पीरियड्स अगर 5 से 6 दिन लेट हो जाते हैं या फिर 5 से 6 दिन जल्दी आ जाते हैं तो इसको हम नॉर्मल में ही काउंट करते हैं। अब इनके साथ क्या हुआ कि पीरियड्स जो है 7-8 दिन लेट हो चुके थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो इनकी जो वाइफ है पड़ोस में एक लेडी डॉक्टर है, उनके पास चली गई, तो उन्होंने इनको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोला। जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो किट में जो टेस्ट बैंड होती है, जो दूसरी वाली लाइन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हल्की आई, इतनी ज़्यादा हल्की थी कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखने पर ही नज़र आ रही थी। तो डॉक्टर को भी कंफर्म नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने बोला कि किट में तो पॉजिटिव ही लग रहा है लेकिन पूरा श्योर नहीं है, और इसके लिए जो है आपको बीटा एचसीजी टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब इनका बीटा एचसीजी टेस्ट हुआ तो उसमें कंफर्म हो गया कि हाँ इन्होंने कंसीव कर लिया है, लेकिन डॉक्टर ने इनको बोला कि आपकी अलग से कुछ मेडिसिन चलेगी क्योंकि बॉडी में अभी एचसीजी बहुत कम बन रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने इनकी कुछ मेडिसिन शुरू कर दी और अब इनका जो है 2रा महीना चल रहा है। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि इनकी प्रेगनेंसी सफल हो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस कहानी ने आपको मोटिवेट जरूर किया होगा। आप कितने समय से ट्राई कर रहे हैं और आपको कंसीव करने में क्या क्या रुकावट आ रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।